तो बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो हाइड्रोजन लाइक के लिए भी एप्लीकेबल है, जैसे हीलियम, जैसे डबली आयनाइज्ड लिथियम, इनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो नॉर्मली वो क्या करता है, हाइड्रोजन की जगह कॉम्पिटिशन वाले तो हमेशा ही ऐसे करते हैं, लिथियम और हीलियम पे ही क्वेश्चन देते हैं, हाइड्रोजन का तो एनसीईआरटी वाला देता है, पर वो चेंज भी कर सकते हैं एनसीईआरटी में। तो क्या फॉर्मूलाज एप्लीकेबल हैं हाइड्रोजन लाइक में, जो आपने ऊपर हाइड्रोजन का रेडियस सीखा था उसमें डिनोमिनेटर में जेड आ जाएगा, ये याद रख लेना बस, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है, बाई जेड। तो इसका मतलब रेडियस की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू क्या आएगी, एन स्क्वायर बाई जेड। नेक्स्ट रिजल्ट है, जो आपने स्पीड सीखी थी 137 सी बाई एन या 1/137, फॉर्मूला चेंज कर दिया मैंने स्पीड का, जो मैंने करवाया था 1/137 सी बाई एन ऐसा फॉर्मूला था, तो इसके अंदर जो फॉर्मूला था 1/137 एल्फा इन टू सी बाई एन कुछ गलत है इसमें, तो आपको जेड से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो याद रखना वेलोसिटी की वैल्यू जेड बाई क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी, ये सेकेंड रिजल्ट है। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है, -13.6 बाई एन स्क्वायर की जगह -13.6 एन स्क्वायर इन टू क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया। वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने ये किया था, वेवलेंथ में भी क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि सारे न्यूमेरिकल सेम है, जेड और जेड स्क्वायर कैसे प्लेस करना है ये ध्यान से देखना है। इसके अंदर अगर न्यूमेरिकल में आ जाए कि ट्रांजिशन हो रही है एक इलेक्ट्रॉन की के अल्फा लाइन के लिए, के अल्फा लाइन बाय डिफॉल्ट होती है सेकंड ट्रांजिशन टू से लेके वन शेल पे, ट्रांजिशन को के अल्फा लाइन ट्रांजिशन बोलते हैं, और के बीटा लाइन होती है थ्री से वन की ट्रांजिशन के बीटा लाइन है, तो ये याद रखना के अल्फा के बीटा, हम आगे आगे स्टडी भी करेंगे इसे ये ट्रांजिशन कैसे होती हैं, बट ये अगर आ जाए न्यूमेरिकल तो आप याद रखना टू और वन और थ्री और वन। स्पेक्ट्रल लाइन्स,